लॉकडाउन के बाद अब कामकाज पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद कई लोगों के रोजगार व कामकाज ठप हो गए हैं। वहीं अब देखा जा रहा है कि कामकाज ना मिलने व कामकाज ना चलने की वजह से आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि हुई है। आज एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें करनाल की बिरू कॉलोनी में रह रहे 50 वर्षीय बिरजू चौधरी ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग काम ना मिलने की वजह से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। बता दें कि मृतक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और कामकाज के लिए करनाल में रह रहा था। वहीं करनाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिजवा दिया है। कहाँ का ये मामला है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है जी? ये बिरजू नाम का एक बिहार से आके यहाँ रह रहा था किराए पे अपने बच्चों के साथ। नूरमहल चौक पे कॉलोनी है, बिरू कॉलोनी, वहाँ रह रहे थे। कई दिन से इसको काम नहीं लग रहा था, मानसिक तौर पे थोड़ा सा परेशान हो रहा था, इसलिए इन्होंने फांसी ले ली। कल घर पे ही अकेला था। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? इसका पोस्टमार्टम के लिए करवा रहे, घर के यहाँ ले आए थे। डॉक्टरों ने हमारे को सूचना दे दी थी, हम आ गए थे कल, कागज तैयार करे थे, अब आए हैं इसके घर के। अभी आने ही आएंगे तो पोस्टमार्टम करवा के इनको सौंप देंगे जी। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।